सभी को जोहार जोहार जोहार। सबसे पहले चंदन क्यारी, बोकारो जिले के आप सभी माताएं बहने नौजवान साथी बड़े बुजुर्गों को आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए पुनः आप लोगों को जोहार करता हूं। और हमारे साथ मंच पर गण्यमान अतिथिगण है, हमारे गठबंधन दल के मंत्रीगण है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, संक्षिप्त में बातों को रखेंगे और कार्यक्रमों में भी हमें जाना है। आज हम लोग विशेष रूप से बोकारो जिला के लिए एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। एक लंबे समय से इस विषय पर चिंतन मंथन होता रहा कि बोकारो जिला यह दुनिया के मानचित्र में आजादी के वक्त से ही इसने अलग पहचान बनाया है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हम लोग का बोकारो स्टील प्लांट ही रहा है, लेकिन समय अवधि बीतते बीतते ना जाने इस जिला में कौन सा रोग लग गया कि इतना बड़ा उद्योग होते हुए भी यहाँ के लोग धीरे 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 आर्थिक रूप से कमजोर होते गए। और आज हम गांव को देखें और शहर को देखें तो बड़ा ही विपरीत स्थिति देखने को मिलता है कि आज जहाँ गांव ज्यों का त्यों, जहाँ आज 100 साल पहले उसी हालात में दिखता है, लेकिन बड़ी ऐतिहासिक संघर्ष इस राज का रहा है। और इसीलिए अलग राज की लड़ाई लड़ी गई कि यहाँ के कारखाने, यहाँ के उद्योग और जितने भी यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ होती है उन सब जगहों पर हमारे स्थानीय मूलवासी यहाँ के आदिवासी लोगों को रोजगार मिले। इसको लेकर हमारे बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग विस्थापित भी होते रहे, लेकिन जब उद्योग लग जाता है तो इसको लेकर के बनने के बाद ना जाने हमारे विस्थापित लोग कहाँ गुम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। और हमेशा विस्थापित लोग अपना लड़ाई जंग लड़ता 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 कई पीढ़ी गुजार देता है, लेकिन हक अधिकार जो हमें प्राप्त होना चाहिए ना व्यक्तिगत रूप से गांव तक पहुंचा, ना सरकारी रूप में भी हमें किसी तरीके से केंद्र के सहयोग से मिला। बड़ा ही विचित्र है, गरीबों को हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ता है और आज एक एक करके आपका ये सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक नई इतिहास गढ़ते हुए, नया पहचान बनाते हुए यहाँ के जन जन के लोगों तक पहुँचकर हमारे गांव का समृद्धि, किसानों का समृद्धि, गरीब गुरुआ आगे कैसे बढ़े, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम योजना गिनाना शुरू करें, समय भी बहुत कम पड़ेगा। कई ऐसा गांव आज भी हम लोग का है जहाँ का लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, पीडीओ कौन है, सीओ कौन है, वो सब नहीं देखा था, डीसी एसपी का तो बात का दूर है। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार है ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली ये सरकार है। और इसको लेकर हम लोग समय समय पर आपके बीच में, सरकार आपके द्वार में, गांव गांव, पंचायत पंचायत में, टोला टोला में पदाधिकारियों को भेज करके आपकी समस्या और समाधान करने के लिए वो पहुंचे थे। आज बहुत बड़े पैमाने पर गांव के लोग खुशियों से झूम रहे। आज इस राज की आधी आबादी, जिसको हम महिला समूह कहते हैं, आज इस राज की आधी आबादी की महिलाओं को हम लोगों ने महिला सम्मान योजना से जोड़ा, जो इस देश में एक इतिहास बना है, जो लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने जोड़ा है। आज हमारी बच्चियों को गांव देहात में गरीब गुरुआ लोग बच्चियों को बोझा समझता है, 10वां 12वां पास होता नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। आप बेटी हम लोग की बोझा नहीं बल्कि संपत्ति बन के रहेगी। सावित्री भाई फूलो योजना से हमने उनको जोड़ा है और आने वाला समय में वो इंजीनियर भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी और वकील भी बनेगी, पत्रकार भी बनेगी। और इस कड़ी में आज हम लोग आपके यहाँ पर बोकारो जिले के सेक्टर 12 में लगभग 700 करोड़ रुपया से बनने वाला हम लोग के साथ मंत्रिमंडल में रहे, जिसको टाइगर जगन्नाथ महतो भी बोलते हैं, उनके नाम पर जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज का आधारशिला आज यहाँ से रखा जा रहा है। आपको पता है हम लोगों ने सरकार बनाया, कितना चुनौती हम लोगों ने देखा, कोरोना हम लोगों को ढक लिया, पूरा ऐसा स्थिति हो गया कि पूरा देश लॉकडाउन हो गया, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब, कोई
कहीं नहीं हिल सकता था। उस समय भी हम लोग सोते नहीं थे, अस्पताल का ठिकाना नहीं, डॉक्टर का ठिकाना नहीं, दवा का ठिकाना नहीं, ऐसा बीमारी जिसका आता पता नहीं, हम लोगों को तो माथा खराब हो गया, करे तो क्या करें। लेकिन चौकीदार की तरह 24 घंटा पूरे राज में नजर रखते हुए हम लोगों ने इस राज को सुरक्षित बचाया। और आपको याद होगा कोरोना के समय में आपका ये भाई हेमंत सोरेन और आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को दिल्ली मुंबई में रह रहे लोगों को कंधा में ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। और तो और उसके बाद, चूंकि ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज भी है, यहाँ मजदूर तबके का आदमी लोग रहता है, किसान सबसे अधिक रहता है, आज किसानों के लिए हम लोगों ने ऋण माफी किया, आज मजदूरों के लिए ऐसा कानून बनाया कि आज देश हो या विदेश हो, कहीं भी झारखंडी कोई मारा जाता है या कोई घटना होता है तो उसको किसी भी तरीके से हम लोग उसके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज ही एक घटना घटी है, आपके चंदन क्यारी का ही एक नौजवान नासिक में मजदूरी करने गया था, किसी घटना में उसकी मृत्यु हो गई और आज हमारे पोर्टल में इसकी जानकारी मिली और उसके पार्थिव शरीर को सरकार के द्वारा उसके घर तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। ये किसी फैक्ट्री में काम करते थे और जहां जहां ये घटना होता है, अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से 25-30 लड़का लोगों को लाया, वो भी बोकारो का, गिरिडीह का, चंदन क्यारी का लोग था, उनको भी हम लोग ढोके लेके आए, लेकिन वो लोग जिंदा लेके हम लोग लेके आ पाए। लेकिन आज ये नौजवान इसी घटना में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज जो पहले होता था, जहां मर गया वहीं पड़ गया, घर नहीं ला सकता था कोई मजदूर अपना बाल बच्चा लोग को, अपना परिवारजनों को, लेकिन आज कहीं भी, कहीं राज्य के, देश के, दुनिया के किसी कोने में भी झारखंड का लोग जाता है तो उस पर झारखंड सरकार की नजर रहती है, कहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहले कहां गायब हो गया, कहां मर जाता था, कुछ भी पता नहीं। आज यहां पर 1,200 करोड़ रुपए का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज हम लोग निरंतर आप लोगों के बीच में, गरीब राज होने के नाते गरीब गुरुवा की सेवा में, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन से लेकर, महिलाओं को सम्मान राशि से लेकर के, हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने का, किसानों का ऋण माफी से लेकर के, हमारे गांव देहात जहां गरीब तबका का लोग रहता है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके अपना घर द्वार चलाता है, आज उन सभी गरीबों का हम लोगों ने बकाया बिजली भी माफ कर दिया और 200 यूनिट का बिजली भी फ्री दे दिया। हम इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, अभी और भी कार्यक्रम है, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ। आप लोग को अच्छा लगा सरकार का काम? मैया सम्मान अच्छा लगा? सावित्री बाई फूले योजना अच्छा लगा? आपका आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि हम लोग इसलिए बोले क्योंकि अभी 2-3 महीना बाद चुनाव आने वाला है, हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ हमारे विरोधी लोग हमारे गांव देहात में वोट बटोरने के लिए इधर से उधर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे आदिवासी मूलवासी विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजेंट बना करके भेज रहा है और हमारे राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है। एक समय था कि हमारे मूलवासी आदिवासी की ताकत जब यहां पर फैक्ट्रियों में हजारों की तादाद में लोगों का बहाली होता था, लेकिन आज एक बहाली करके देखिए तो पता चलेगा आपका बेटा बेटी का तो बहाली होता नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी लोग है, जो पूंजीपतियों की जमात, इन लोग का जरूर उद्धार हो रहा है। आज आप लोगों का सेवा करते करते कोरोना काल में हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया, हाजी हुसैन अंसारी साहब का निधन हुआ और हमारे इससे पहले पूर्व विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह जी का भी निधन हुआ।
और आज इस राज को बचाने के लिए इतना बड़ा हमको कीमत चुकाना पड़ा है। अगल बगल राज में आम आदमी लोग ऐसा मरता था, लेकिन जानवर मरता था। मिट्टी दफन करने के लिए आदमी लोगों को मिट्टी खत्म, जलावन के लिए लकड़ी खत्म, लेकिन इस राज में शांतिपूर्वक कोरोना को पार किया। वो इसलिए हुआ कि हमारी महिला दीदी कोरोना काल में गांव गांव में दाल भात की योजना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त खिलाने का काम करता था। और उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम आज इस राज की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। और इसी लड़ाई में हमारे विपक्ष लगातार हम पर झूठा आरोप लगाता रहा, हमको 5-6 महीना तक जेल में भी डाल दिया। राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ईडी सीबीआई लगा देते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा न कर पाए। ये देश का पहला राज है जो सब बुजुर्गों को, जितना भी बुजुर्ग है झारखंड में, सबको पेंशन देने का काम हो रहा है। पहला ये राज। आज हमारा बाल बच्चा लोग विदेशों में पढ़ने के लिए सरकार की मदद से विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज खोली जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली जा रही है, लेकिन इनको ये रास नहीं आता। ये लोग गरीबों के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए इनके पास ना आंसू है ना संवेदनाएं हैं। ये लोग एन प्रकारेन अपना व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। जनता इनको मदद नहीं करती है तो सरकार को भी खरीदने का काम करता है, लेकिन जनता जब ठान ले तो ऐसे ताकतवर को भी उठा के नीचे फेंकने का काम सदियों से होता रहा है और इस बार भी किया जाएगा। तो इसलिए सभी माताएं बहनें, विशेषकर यहाँ बच्ची आई है, बताओ, यहाँ महिलाएं भी आई है, आप लोगों को पेंशन के लिए, राशन के लिए, इन सब का कार्ड बनाने के लिए कितना बीडीओ सीओ के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था, ब्लॉकों और दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन आज सारा चीज आपका पेंशन का कार्ड, आपका सम्मान राशि का कार्ड, आपका राशन का कार्ड आपके दरवाजे और आपके पंचायत में बनता है। आपको चक्कर लगाना का जरूरत नहीं पड़ता। आज जिस चीज के लिए पदाधिकारियों को तनख्वाह मिलता है वो तनख्वाह आपकी सेवा के लिए मिलता है, लेकिन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन पदाधिकारियों का चमड़ा इतना मोटा कर दिया है कि इनका चमड़ा गरीब गुरुवार लोगों के लिए नहीं है, अब सिर्फ मखमल में सोने वाले लोगों के लिए। लेकिन अब हम लोगों ने चाबुक लगाया है कि गांव गांव जाना होगा, टोला टोला जाना होगा और गरीबों की समस्या का समाधान करना होगा। आज हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, इनको सावित्रीबाई फूले योजना से हम लोगों ने जोड़ा है ताकि ये लोग अपना पढ़ाई ना छोड़े, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी लाया है, उसको बच्चियों को दिलाइए, बच्चों को दिलाइए। डॉक्टर इंजीनियर जब आप पढ़िएगा आपको बहुत ज्यादा फीस देने की जरूरत पड़ेगी, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोगे, बैंक में जाओगे, तुरंत आपको 15 लाख रुपया बैंक देने के लिए तैयार हो जाएगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो तरह तरह की चीजें हैं, आते धीरे धीरे याद आ रही है, और भी बातें हम भी बोलते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज के इस शिलान्यास उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए, लेकिन याद रखिएगा आज हम लोगों ने कई कुर्बानियां दी हैं तब आज पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है। आज बिजली हो, आज सड़कें हो, चाहे आधारभूत संरचना हो, और गरीब गुरुवा को अपने पैर में खड़ा करने का बात हो, आज रोटी कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। आज अबुआ आवास के माध्यम से हर गरीब को आवास देने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया। इसके लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने पैसा मांग मांग करके हम लोग का नाक घिस गया, लेकिन पैसा नहीं दिया। लेकिन अभी चुनाव आया है, पता चला है कि गरीबों को आवास देने का पैसा आया। 4 साल तक हम लोग का गरीब गुरुवा का पैसा इन लोगों ने अपने राज्य में जाके दे दिया। हक अधिकार ऐसे नहीं मिलता है। और अभी हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी हम लोगों ने ठोक रखा है, अभी वो भी नहीं दे रहे, वो भी लेंगे। और जैसे ही हम अभी हम लोगों का ये
संघर्ष खत्म होगा, निश्चित रूप से वो अधिकार भी लेंगे। हमें याद है हमारे झारखंड के आंदोलनकारी लोग यही नारा लगाते थे, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। तो हमारा भी ये नारा है, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। तो इसके लिए फिर से थोड़ा बहुत हुज्जत करना पड़ेगा, तो करना करेंगे। सीबीआई ईडी से घबराने का जरूरत नहीं है। अगर हक अधिकार लेना है, घर द्वार संभालना है, बाल बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो इसके लिए माँ बाप को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम लोगों ने बनाया है, अभी 80 CM उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन हो चुका है, शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, अब ये लगभग 5000 स्कूल बनेंगे। और इसके अलावा अभी श्रम विभाग के तरफ से अगले वित्त वर्ष से हर जिला में श्रम विभाग के आवासीय विद्यालय बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहां 500 से के लगभग हमारे गरीब गुरुआ के बच्चे उन हॉस्टलों में रह करके अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग का, कितना गांव दिया, चंद्रनी क्यारी का बच्चा है जरा बताओ, जो DAV और DPS में पढ़ता हो, सेंट जेवियर में पढ़ता हो, आज उसी के तर्क पर हमने स्कूल शुरू किया। आज हम लोगों ने जितने भी कल्याण विभाग के छात्रावास हैं, आदिवासी छात्रावास हो, हमारा पूरे राज्य में जो पहली व्यवस्था थी, बाल बच्चा लोग अपना घर द्वार से चावल लेके जाता था, खाना भी बनाता था और कॉलेज भी जाता था, लेकिन अब जितना आवास, जितना छात्रावास है, उन सभी छात्रावास में सरकार अनाज देने के लिए निर्णय ले चुकी है। अब बच्चों को खाना बनाने का जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है, खाना खिलाने का काम अब सरकार करेगी। तो बातें बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं की बातों के साथ, सबको जोहार।